फर्स्ट नोन बबल टू mankind. तो बबल्स होते क्यों हैं? तो पहली चीज क्या है, जब ये एसेट प्राइसेस होते हैं या स्टॉक प्राइसेस होते हैं तो शॉर्ट टर्म में कैसे डिसाइड होते हैं, जब डिमांड सप्लाई को बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाए एंड साथ साथ जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यूएशन है उससे उनका जो प्राइस है बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाता है. एंड एक स्टेज पे ऐसा आता है कि प्राइस इतना ज्यादा ऊपर निकल जाता है कि इंट्रिंसिक वैल्यूएशन बहुत पीछे रह जाती है एंड ऑल ऑफ अ सडन जितने भी बायर्स होते हैं वो रियलाइज करते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन बबल कोलैप्स कर जाता है. तो ट्यूलिप मेनिया वॉज वन सच बबल. तो ट्यूलिप मेनिया 17th सेंचुरी में हुआ था हॉलैंड के अंदर. एंड ट्यूलिप मेनिया के अंदर क्या हुआ था, जो ट्यूलिप फ्लावर्स हैं उनका इतना ज्यादा क्रेज हो गया था हॉलैंड के अंदर पॉपुलेशन को कि एक प्राइस जो था ट्यूलिप का ऑलमोस्ट एक हाउस जितने का प्राइस हो गया था. माने एक ट्यूलिप फ्लावर का प्राइस वॉज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द प्राइस ऑफ वन इंटायर हाउस. एंड ये जो इंटायर बबल था इट लास्टेड फॉर 3 to 4 months. एंड 3-4 महीने के बाद जब ये बबल कोलैप्स हुआ तो काफी लोग बैंक्रप्ट हो गए थे उस टाइम पे. एंड सिमिलरली जब ये बबल्स कोलैप्स होते हैं तो काफी लोग उस टाइम पे बैंक्रप्ट हो जाते हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट नोन बबल टू द मैनकाइंड.